नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुद्गल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये अपने जो सिलेबस है उससे रिलेटेड नहीं है, किसी भी क्लास से रिलेटेड नहीं है, फिर भी ये वीडियो मैं लेकर आया हूं क्योंकि कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ जिसके बारे में मुझे जानकारी देना सही लगा कि यार ये जानकारी आप सभी के पास होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, टाइटल में देख लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में या कोविड के बारे में। कोविड क्या है और इसका जो वैक्सीन है वो जो आ गया है इससे क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं इसके, क्या इसके फायदे हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो अपने इस संसार में जो फैली हुई है अफवाहें, कुछ ऐसी अफवाहों के बारे में बात करूंगा मैं कि जो हम भारत में अफवाहें इतनी ज्यादा और इतनी गलत अफवाहें फैली हुई हैं कोविड के बारे में, जिनको काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं, काफी दिनों से सोशल मीडिया के थ्रू जो मैसेजेस आते हैं या हम जो सर्फिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लोगों के मुंह से जो सुनने को मिलता है तो उनको देखते हुए मुझे लगा कि आप सभी तक और जितने भी जो व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सब तक सही नॉलेज पहुंचनी चाहिए। तो आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करो, इस पर लाइक करो, कमेंट करो, कुछ नहीं। सिर्फ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना, अपने जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब पर शेयर करना जितना कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा इसको आप फैलाओगे उतनी ज्यादा जागरूकता फैलेगी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, हम क्या बात कर रहे हैं आज, वैक्सीनेशन के बारे में, कि कोविड 19 का जो वैक्सीन है उसके बारे में। देखिए पहले एक छोटी सी एक बात बताता हूं कि मेरे साथ हुआ क्या। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कम्युनिटी पोस्ट पे देखा होगा या मुझे अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहां देखा होगा कि मैंने 2 मई को यानी कि कल वैक्सीन लगवाई थी कोविड 19 की। तो वहां पर जितना टाइम मैं रुका, लगभग 1 घंटा मैं वहां पर रुका हूं, तो उस टाइम पे जितने वहां लोग थे जिन्हें हम मैं कह सकता हूं कि जो पढ़े लिखे समझदार, जो कि एजुकेटेड जो समझदार लोग है ना, वो ज्यादा थे वहां पर। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, ऐसी ऐसी बातें वहां पर चल रही थी जिनको सुनकर मुझे लगा कि सच में यार ये आप तक पहुंचनी चाहिए ये सारी बातें, कि लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के बारे में, क्या क्या बातें हो रही हैं वैक्सीनेशन को लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या अफवाहें हैं। आप सुनेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे कि यार ऐसी ऐसी बातें भी चल रही हैं। वैसे तो आप सभी सोशल मीडिया पर पढ़ते होंगे लेकिन फिर भी आप जाने क्या क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है। देखिए वहां पर बहुत लोग ऐसे मिले मुझे कि जो ये कहते हुए मिले कि यार कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, कोरोना तो है ही नहीं। मैं कह भाई फिर तू आया क्यों है यहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए जब कोरोना ही नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से कोरोना हो जाएगा, वाह बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने भी। वैक्सीन लगवाने से डीएनए बदल जाएगा, आपका जो डीएनए है वो ही बदल जाएगा, ऐसी बात है। ये जस्ट मैंने कुछ दिनों पहले ये मानो सोशल मीडिया पर पढ़ा था। इसके अलावा बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, कि जो आपका ब्लड है उसकी क्लोटिंग हो जाएगी, ये भी मैंने वहां पर पढ़ा। इसके अलावा वहां सुनने को मिलता है कि कोरोना एक बार हो जाने के बाद में वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहे हैं कि अगर आपको एक बार कोरोना हो गया है तो आप वैक्सीन मत लगवाइए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। देखिए आप अफवाहों का लेवल देखिए, आप लोगों की मनगढ़ंत बातें, और ये बात सुनकर तो ये मानो कि मुझे इतनी हंसी आई है जिसकी कोई हद नहीं है कि वैक्सीन से माँ बाप बनने की समस्या या नपुंसकता आ जाती है। ये बात अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर भी चल रही थी, जिसको दूर करने के लिए हमारे न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक न्यूज बनाई और ये वहां पर डाली, उन्होंने दिखाई पूरा, जिसके बाद में समझ में आया कि हाँ यार ऐसा कुछ भी नहीं है, कोरोना जो है वो उसकी वजह से या वैक्सीन की वजह से इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, आपको कभी भी नहीं होने वाली है। अब देखिए इस तरीके की जब अफवाहें वहां सुनने को मिली तो मुझे लगा कि यार सही नॉलेज आप तक पहुंचनी चाहिए, और उसी को लेकर आज मैं आपके सामने आ गया हूं। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन क्या होता है देखिए, इसे समझना ध्यान से कि वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन टू हेल्प इम्यून सिस्टम। किसको क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है डेवलप प्रोटेक्शन फ्रॉम ए डिजीज, कि किसी डिजीज से, किसी रोग से
प्रोटेक्शन को डेवलप करने में किसकी हेल्प करती है? इम्यून सिस्टम की, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र की मदद करती है। कौन? एक वैक्सीन, जो हम वैक्सीन लेते हैं वो वैक्सीन क्या करती है? आपके प्रतिरक्षा तंत्र की मदद करती है उस बीमारी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने में। मैं हिंदी में बात करूं तो यही है इसका मतलब। देखिए, इसके अलावा इस वैक्सीन के अंदर होता क्या है, क्योंकि जैसे कल मैंने पोस्ट किया तो उस पर भी कुछ कमेंट आए जिनमें यह भी था कि सर वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि इससे बुखार हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द हो जाता है इस वजह से। अरे भाई सुनो यार, तुम पढ़े लिखे हो, तुमने जो साइंस हैंडेड स्टूडेंट है उनको पता है कि वैक्सीन में क्या होता है, किस तरीके से होता है, और जो नहीं है वो भी समझे। विकिपीडिया पे साफ लिखा हुआ है, आपकी बुक्स में साफ लिखा हुआ है कि वैक्सीन्स कंटेन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सूक्ष्म जीव या वायरस और वायरस इन ए वीकेंडेड लाइव और किल्ड स्टेट, यानी वैक्सीन के अंदर क्या होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो सूक्ष्म जीव या वायरस होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है? वीकेंडेड होता है, थोड़ा कमजोर होता है, या किल्ड स्टेट में होता है, मरे हुए अवस्था में होता है, जो कि टॉक्सिन फ्रॉम ए ऑर्गेनिज्म। यानी कि समझो आप इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि वैक्सीन के अंदर वो जो वायरस है, जैसे कोविड की वैक्सीन की बात करते हैं हम, तो कोविड के वैक्सीन में कोविड का वायरस यानी कोरोना वायरस ही है उसके अंदर, जो कि किल्ड स्टेट में है, मरे हुए अवस्था में है। अब उसे जब हम आपके शरीर में लगाया जाएगा, आपको वैक्सीन लगेगा, वैक्सीन लगने से होगा क्या कि आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो ये समझेगा कि यार यहाँ पर तो कोरोना वायरस जैसा कुछ आया है, और वो उसके जो खिलाफ है एंटीबॉडीज तैयार करेगा। सिंपल है। और जब वो एंटीबॉडी तैयार करेगा या उससे लड़ेगा तो उसके लिए शरीर का टेम्परेचर बढ़ सकता है, क्योंकि हर वैक्सीन में ऐसा होता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों के जब वैक्सीन लगती है, ठीक है, छोटे छोटे जो टीके लगते हैं, हेपेटाइटिस बी के टीके लगते हैं, जो भी है, वो सारे टीके जब लगते हैं तो छोटे बच्चे को भी बुखार आता है, वो भी बीमार हो जाता है। आपको याद होगा, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको पता होगा ये बात। तो जब उनके साथ भी हो रहा है तो हमारे साथ भी होगा, भाई हम कोई अलग है क्या? नहीं है ना। तो इसी वजह से बुखार आता है, वो गलत नहीं है। अगर आपको इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो ऐसी बातें आप ना करें क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर कौन है? ये एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन की खोज की थी, सबसे पहले इन्वेंट किया था वैक्सीन को, और जो पहली वैक्सीन थी वो लगभग 1796 में चेचक के लिए, कौन सा रोग था? चेचक, या जिसे क्या कहते हैं हम, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए इन्वेंट की गई थी एडवर्ड जेनर। तो ये अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने इसे यहां डाला है। अब बात करते हैं कि कोविड 19 की जो वैक्सीन है, जो कोविड 19 की वैक्सीन है, वो कौन कौन सी वैक्सीन हमारे को यहाँ लगाई जा रही है। तो दो तरीके की वैक्सीन आपको देखने को मिलेंगी जो कि भारत में है, एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है। अगर हम इसके डायग्राम देखते हैं तो इस तरीके की कुछ दिखाई देती हैं। अब जब मैं लगवा के आया हूं तो मुझे कोविशील्ड ये वाली वैक्सीन लगाई गई है, ठीक है, इस वैक्सीन को लगाया गया है, तो भारत में यही चल रही है। अब कुछ बातें मैं आपको वैसे बताना चाहता हूं कि आप लोग डरे नहीं, वैक्सीन जरूर लगवाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचे, उन्हें बताएं कि भाई वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और इसका क्या फायदा हो सकता है वो आपको भी पता है। क्योंकि अगर एक बार वैक्सीन लग जाती है तो आपके शरीर में वो इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडी है वो बन जाएगी, इसके बाद में अगर जो रियल कोरोना वायरस है अगर वो भी आपको इफेक्ट करता है तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडीज हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। यानी ये मान के चलो कि जिनको वैक्सीन लग रही है उनकी 99% केस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सही हो रहे हैं, 99 से भी ज्यादा बताऊंगा मैं आपको। जिनको दोनों डोज पूरे लग चुके हैं उनका हॉस्पिटलाइज होने की जो संभावना है वो बिल्कुल 0.001% हो जाती है, वो घर पर रहकर भी 4 दिन 5 दिन 7 दिन के क्वारंटीन से भी सही हो रहे हैं। इसीलिए जो कोविड की जो वैक्सीन है वो लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लगवानी कैसे है उसके बारे में बात करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाओगे? तो दो तरीके हैं, एक तो आप गूगल पर अगर कोविन सर्च करते हैं या फिर कोविन.gov.in इस साइट पर जाएंगे, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन का
जो बटन है उसे क्लिक करना, आपका पिन कोड मांगेगा, आपका आधार कार्ड नंबर पहले से डाला हुआ होगा, नहीं होगा तो वहां पर आपको डालना पड़ेगा, और इस तरीके से आप वहां पर रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद में आपको उसको शेड्यूल करना पड़ेगा, डेट और टाइम दोनों, और आपका जो सेंटर है जहां आप लगवाना चाहते हो वो सब आपको अपडेट करना है। उसके बाद में आपको सेंटर पे जाना है और सीधा वैक्सीन लगवाना है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप, इसके द्वारा भी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ शेड्यूल करना ना भूलें बिल्कुल उसे, यानी कि डेट और टाइम दोनों बताना जरूरी है। आप बताओगे तभी आपका वो होगा। इसके बाद में इसका जो मैसेज है वो आपके पास आएगा, इसकी जो स्लिप है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके पास मिल जाएगा स्लिप, उसे जाओ वहां पर दिखाइए, दिखाने के बाद में आपको वैक्सीन लग जाएगी। तो देखिए कुल मिला के बात यह है कि मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप लोग जो समझदार लोग हो, सब पढ़े लिखे हो, प्लीज ऐसी बात ना करें और ऐसी जो अफवाहें उन पर ध्यान मत दो, उन अफवाहों को दूर रखो, उन्हें फैलाओ मत। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार ठीक है हम अपने स्टेटस पे लगा देते हैं इस तरीके की चीजों को, ताकि लोग उन्हें पढ़ रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं। तो कम से कम वो काम मत करो। आपको अगर लगाना है तो वैक्सीनेशन को आप बढ़ावा देने वाली चीजें लगाएं, ताकि वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिले और हमारा देश है वो आगे बढ़े। भाई इसका कोरोना को इसी तरीके से हराया जा सकता है। तो इतना ही बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना। आप लाइक करो या मत करो, आपको अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इतना कहूंगा कि शेयर करें, जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, जहां आप इसे शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।